मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह पीजी सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए भविष्य के सिक्कों पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। भविष्य कुषाण वंश का महान शासक था। इसने शक संवत लगभग 2526 से लेकर 62 तक शासन किया। इसका शासनकाल काफ़ी लंबा रहा। इसने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक विस्तृत किया था। यद्यपि इसके शासनकाल में कुषाण वंश का साम्राज्य कनिष्क की अपेक्षा छोटा हो गया था। इसी कारण इसकी सत्ता का केंद्र पेशावर के स्थान पर मथुरा हो गया था। इसके सिक्के हमें कपिसल से लेकर बिहार तक पाए गए हैं। इतने लंबे शासन काल के कारण ही कुछ विद्वानों में जैसे A.K. नारायण और P.L. गुप्ता ने जो हुविस्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें अग्रभाग पर कुछ सिक्कों पर राजा हाथ में भाला लिए हुए हैं और कुछ सिक्कों पर अंकुश लिए हुए हैं। इस आधार पर ये विद्वान यह कहने का प्रयास करते हैं कि हुविस्क नामक तीन राजा हुए। एक कनिष्क के पूर्व शासनकर्ता था और जिसे हुविस्क प्रथम कहा गया, और बाकी दोनों हुविस्क द्वितीय और हुविस्क तृतीय ये कनिष्क के बाद शासन किए। लेकिन इनके मत को मानने का हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि एक निश्चित काल तक शासन करना किसी भी राजा के लिए अपरिहार्य नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि सिक्कों पर जो राजा का अंकन है, वेशभूषा है, लेख है, वह बिल्कुल समान है। केवल कुछ सिक्कों पर हाथ में भाला है और कुछ सिक्कों पर हाथ में अंकुश है। इस आधार पर यह कह देना कि हुविस्क नामक तीन राजा, यह कहना निराधार सा लगता है कि एक ही नाम के राजा जो है क्रमशः हुविस्क प्रथम और हुविस्क द्वितीय शासन किए होंगे, ऐसा उदाहरण इतिहास में दिखाई नहीं देता है। इसके अतिरिक्त एक ही राजा के सिक्कों पर विविध आयुधों का अंकन भी हमें दिखाई देता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि हुविस्क नामक कई राजा हुए यह निराधार सा लगता है। हुविस्क के सिक्के हमें उसके दो निधियों से प्राप्त होते हैं। एक उसकी निधि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से प्राप्त हुई है और दूसरी निधि जो है उत्तराखंड के गढ़वाल से प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जो निधि मिली है उससे हमें हुविस्क के 13 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर राजा अग्रभाग पर अंकुश लिए हुए हैं, जबकि गढ़वाल निधि से प्राप्त जो सिक्के हैं उस पर राजा हाथ में भाला लिए हुए अंकित है। कनिष्क के हमें तीनों धातुओं में सिक्के प्राप्त होते हैं, स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के और ताम्र सिक्के। स्वर्ण सिक्कों का जो भार है वह 120 से 123 ग्रेन, रजत सिक्कों का भार 32 ग्रेन और ताम्र सिक्कों का भार 10 से 16 ग्रेन तक पाया गया है। स्वर्ण सिक्कों के अग्रभाग पर राजा अपने सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं, कहीं कहीं वह लंबी टोपी धारण किए हुए हैं, उसके सर पर पगड़ी का भी अंकन दिखाई देता है, जैसा कि हम सिक्कों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इन सिक्कों पर राजा लंबा टोपी पहने हुए है,
यहाँ भी राजा जो है लंबा टोपी पहने हुए हैं और स्वर्ण सिक्कों पर राजा बामाभिमुख है, बाएं मुख किए हुए हैं, वह दाढ़ी रखे हुए हैं और उसके जो वस्त्र हैं रत्न जटित हैं। सिक्कों पर लेख जो है लिखा गया है और पृष्ठभाग पर विभिन्न देवी देवताओं का जो अंकन है उनमें ये देखिए आर्तोक्षो लिखा हुआ है और कटफिसेस चिन्ह बना हुआ है। इन सिक्कों पर माइरो लिखा हुआ है और देवी का अंकन है और उनका नाम है। इसी तरह से जो ताम्र सिक्के हैं, ताम्र सिक्कों पर राजा जो है गजारूढ़ है, इस पर राजा जो है मंचासीन है। जो पृष्ठभाग है इस पे जो है अथसो लिखा हुआ है और माओ, इस पर माओ लिखा हुआ है और इस पर अथसो लिखा हुआ है। अथसो ईरानी भाग्य देवी थी और माओ जो है चंद्रदेव हैं। इस तरह से सिक्कों को देखने से उसकी वास्तविक स्थिति पता चलती है। सिक्कों के अग्रभाग का अंकन तो समान है लेकिन पृष्ठभाग पर हमें विभिन्न एशियाई देवी देवताओं का अंकन जो है इन सिक्कों पर मिलता है। हम ये कहना चाहते हैं कि कनिष्क के सिक्कों पर जितने भी देवी देवताओं का अंकन हुआ है वह सारे देवी देवता हमें भविष्य के सिक्कों पर भी दिखाई देते हैं, साथ ही कुछ नए देवताओं का भी अंकन मिलता है। जैसे भारतीय देवताओं में महेश के साथ उमा का अंकन, स्कंद कार्तिकेय और गणेश का अंकन भी भविष्य के सिक्कों पर मिलता है। पृष्ठभाग पर जो हमें विभिन्न देवी देवता अंकित दिखाई देते हैं उनमें एराकिलो का नाम सबसे प्रमुख है। यह स्थानक देवता है जो हाथ में गदा और बाघ की खाल लिए हैं। उनिंदो हैं। इसके अतिरिक्त सारियो, तीरो, आक्सो, साओसेरो, रिष्णु रोमा, महासेन, स्कंद कुमार और विशाख, शिव तथा गणेश और कार्तिकेय का अंकन मिलता है। शिव जो है अनेक रूपों में अंकित है, कभी वह उमा सहित है, कभी अकेले, कभी तीन मुखों वाले अंकित हैं, कभी मृगचर्म, कमंडल, त्रिशूल, वज्र और गदा लिए अंकित हैं। महासेन सेनापति के रूप में अंकित हैं, जिनके बाएं हाथ में तलवार है और दाएं हाथ में पक्षी का अंकन है। इन्हें कार्तिकेय के रूप में भी जाना जाता है। स्कंद कुमार का अंकन है जो हाथ में धनुष लिए अंकित हैं, हार पहने हैं, कमर में तलवार है, राजदंड लिए हैं और इनके स्कंद कुमार और विशाख के हाथ में कैटफिशेस चिन्ह का अंकन है। गणेश और कार्तिकेय का अंकन भी सिक्कों पर मिलता है। यह पहला अवसर है जब इन देवताओं की आकृतियों को सिक्कों पर एक विदेशी शासक द्वारा अंकित किया गया है। जहां तक भविष्य के ताम्र सिक्कों का प्रश्न है, ताम्र सिक्के अग्रभाग के अंकन के आधार पर हमें तीन प्रकारों में पाए गए हैं। पहला प्रकार जो अग्रभाग पर है उसमें राजा गजारूढ़ है, जिसको हमने चित्रों के माध्यम से आपको दिखाया। दूसरे प्रकार में अग्रभाग पर राजा सिंहासनासीन है और तीसरे प्रकार पर राजा जो है कुश नामक आसन पर पालथी मारकर बैठा हुआ है। इन तीनों प्रकारों के अग्रभाग वाले ताम्र सिक्कों के पृष्ठभाग पर उन्हीं देवी देवताओं का अंकन है जो स्वर्ण सिक्कों पर पाए गए हैं। हमें हुविस्क के रजत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, बर्लिन स्टेट म्यूजियम में जो सुरक्षित रखे गए हैं। इनकी तौल 32 ग्रेन हमने आपको पहले ही बताया। इन सिक्कों के अग्रभाग पर राजा आवक्ष अंकित है। वह शिरस्त्राण और परिधान
स्वर्ण सिक्कों पर जिस तरह से पहने हुए हैं उसी तरह से यहाँ भी पहने हुए दिखाई देता है। खरगोष्ठी अक्षरों में कुछ लेख प्राप्त होते हैं जो अर्थहीन दिखाई देते हैं। यूनानी लिपि में ओएस की कोषाणु इस प्रकार कनिष्क के जो स्वर्ण रजत और ताम्र सिक्के प्राप्त होते हैं वह उसके समृद्धशाली इतिहास की कहानी अपने आप में कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।